हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड आज का आपका टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ऑर्बिटल के बाद हम देखते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप्स कैसी होती हैं? बेसिकली ऑर्बिटल वो क्या है? वो प्लेस है जहाँ पर क्या होती है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? ऑर्बिटल में, ठीक है, कक्षक में। चलिए तो अब हम देखते हैं कि जो ऑर्बिटल है उनकी शेप्स क्या होती है। आपको पता है ऑर्बिटल कौन से? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एफ ए क्या होते हैं आपके ऑर्बिटल होते हैं। तो हम क्या देखेंगे, इनकी शेप्स देखेंगे। एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स की शेप देखने वाले हैं कि एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, पी की, डी की और एफ की, इनकी कैसी शेप होती है। वैसे एफ आपके कोर्स सिलेबस में नहीं दिया है, तो हम सिर्फ डी तक डिस्कस करेंगे, ठीक है, डी तक हम डिस्कस करेंगे, मगर मैं आपको एफ फिर भी बता दूंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, चलिए मैं अभी आपको लिखाऊंगी, समझ लीजिए। तो जैसे शेप की बात है, यानी कि शेप किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है स्फेरिकल, जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है डम्बल, ठीक है, अभी मैं बना के दिखाऊंगी। जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है डबल डम्बल, इस तरह की, थोड़ा छोटा बन गया, इस तरह की डबल डम्बल। और जो एफ होते हैं इनकी अलग अलग शेप्स होती है, ठीक है, इनकी इनकी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री होती है, शेप सॉरी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती है, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी अभी तीनों की ही। पहले हम बेसिकली आपके जो इम्पोर्टेंट है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर हम एफ ऑर्बिटल की तरफ भी जाएंगे। तो अब जो आपका एस ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ही होता है। एस में कितने होते हैं आपके? एक ही ऑर्बिटल होता है। पी में कितने होते हैं? थ्री ऑर्बिटल। एंड डी में कितने होते हैं? फाइव ऑर्बिटल। तो इसका मतलब आपको एस के एक ऑर्बिटल की शेप देखनी है, पी के तीनों ऑर्बिटल की शेप देखनी होगी, तीनों की अलग अलग देखेंगे। मैंने तो अभी आपको रफली बताया, इसलिए मैंने आपको एफ की ड्रॉ नहीं करके दिखाई, क्योंकि एफ के सेवन है, ठीक है। तो जो आपकी पी है उसके कितने होते हैं? तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीनों की शेप देखेंगे। और इसमें डी में कितने होते हैं आपके? फाइव ऑर्बिटल होते हैं, तो फाइव की शेप देखेंगे। और एफ में कितने होते हैं? सेवन होते हैं, तो सेवन की ही शेप देखेंगे, ठीक है। एफ आपके, बता देती हूँ, कोर्स में नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बस बता रही हूँ, आपके डी तक है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। पहले लिख लेते हैं थोड़ा, फिर शेप की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल की शेप देखेंगे? एस ऑर्बिटल की। तो मैंने लिखा है शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस एन एस ऑर्बिटल कैन हैव ओनली वन पॉसिबल ओरिएंटेशन, क्योंकि आपकी जो एस ऑर्बिटल है वो क्या करती है, सिर्फ एक पॉसिबल ओरिएंटेशन रखती है। सो इट शुड बी स्फेरिकल इन शेप। तो ये कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल होनी चाहिए शेप में। आपको पता है ओरिएंटेशन कैसे रखती है, ये सिर्फ वन पॉसिबल ओरिएंटेशन। तो ये कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल होनी चाहिए। किसमें? शेप में स्फेरिकल होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है, बिकॉज अ स्फीयर कैन बी डिफाइंड कम्प्लीटली बाय अ सिंगल वैल्यू। आपको पता है कोई स्फीयर जो होता है ये स्फीयर होता है, ठीक है, आपको पता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या है, सिर्फ एक ओरिएंटेशन रखती है, तो उसकी जो शेप होगी वो स्फेरिकल हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, बिकॉज अ स्फीयर कैन बी डिफाइंड कम्प्लीटली बाय अ सिंगल वैल्यू, क्योंकि जो स्फीयर है वो एक ही वैल्यू से कम्प्लीटली डिफाइंड हो सकता है, यानी कि स्फीयर ये है, वो है इसकी रेडियस। रेडियस कैसे, देखो ये होती है आपकी रेडियस, ये होती है आपकी रेडियस, तो रेडियस से ही डिफाइंड हो सकता है। सो द एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस, क्योंकि रेडियस से हो रहा है, तो देखो यहाँ भी रेडियस सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी और यहाँ भी सेम होगी, ठीक है। अब आप कोई भी एक्सिस पे ले लो, तो न्यूक्लियस के अबाउट, ये न्यूक्लियस है मान लो, ये आपका क्या है, स्फेरिकल एस ऑर्बिटल है, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से देखो सब जगह डिस्टेंस सेम है, तो ये बोल रहे हैं क्या है वो, सिमेट्रिकल, सभी जगह से क्या है, सिमेट्रिकल। क्या कहीं से ऐसा हो रहा है कि कहीं से अनसिमेट्रिकल है? नहीं, ये पूरा क्या है, सिमेट्रिकल, क्योंकि स्फेयर्स क्या होते हैं आपके, सिमेट्रिकल्स होते हैं। स्फेयर्स कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल, ठीक है। तो वही लिखा है इन्होंने कि जो स्फेयर है वो एक ही वैल्यू से डिफाइंड हो सकता है, वो है उसकी रेडियस, और जो एस ऑर्बिटल है, इसलिए एस ऑर्बिटल क्या है आपके, स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो जाएंगे न्यूक्लियस अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अबाउट अगर हम देखें तो जो आपके एस ऑर्बिटल वो कैसे होते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट आता है आपका कि साइज ऑफ एस ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करता है। अब स्फेयर से ये तो पता चल गया कि एक ही ओरिएंटेशन है तो स्फेयर होगा, फिर स्फेयर से तो इसकी बस रेडियस पे डिपेंड करेगा। अब रेडियस पे डिपेंड करेगा तो रेडियस तो स्फेयर की सभी डायरेक्शन में सेम होगी, यानी कि क्या होगा, सिमेट्रिकल भी हो गया। तो हमें एक बात पता चल गई कि इसकी जो शेप है स्फेरिकल है वो भी सिमेट्रिकल होगा, स्फेयर भी क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा इन ऑल डायरेक्शन अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका कि क्या साइज
साइज कम या ज़्यादा हो सकता है इस ऑर्बिटल के लिए, ठीक है? तो हाँ, साइज डिपेंड हो सकता है, इतना भी स्फीयर होता है, ये भी स्फीयर है, और स्फीयर तो ये भी है, तो और स्फीयर ये भी है, और स्फीयर ये भी है, और स्फीयर ये भी है, स्फीयर ये भी है, ठीक है? यानी कि स्फीयर तो ये सारे हैं, ठीक है? रेडियस तो सब में है, सिमेट्रिकल तो ये सारे हैं अबाउट न्यूक्लियस, लेकिन क्या होगा तो साइज का, अब क्या होगा साइज का, तो हम साइज के लिए देखेंगे। तो आपका जो थर्ड पॉइंट है वो साइज को ही बता रहा है कि जो साइज है एस ऑर्बिटल का वो किस बात पे डिपेंड करता है। तो द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर, सॉरी एजीमुथल गलती से बोल दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो साइज है किसका, एस ऑर्बिटल का, वो किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। बस इसके ये जो आपका आज का टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, इससे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वो क्वांटम नंबर का ही आने वाला है, ठीक है? क्वांटम नंबर का ही होगा, तो वहाँ पर आपकी क्वांटम नंबर मैं आपको कराऊंगी, तो उसमें फर्स्ट आप पढ़ोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी के लिए आप बस ऐसे समझ लो कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो ये अब मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो आपका जो एस ऑर्बिटल है उसका साइज, साइज ऑफ एस ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ एस ऑर्बिटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। देयर फोर टू एस ऑर्बिटल इज लार्जर। इसका मतलब क्या होगा? अब आपको पता है एन वन भी होगा, एन क्या होगा टू भी होगा, एन क्या होगा थ्री भी होगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या है, वैल्यूज है। तो इसके लिए क्या होगा, डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, तो जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा आपका साइज भी इंक्रीज होगा। अगर एन है तो इसके लिए मान लो इतना है, तो टू के लिए इतना हो जाएगा, थ्री के लिए इतना हो जाएगा, तो साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है? क्यों? नंबर ऑफ शेल्स भी तो बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देयरफॉर अ 2s ऑर्बिटल इज लार्जर देन द 1s ऑर्बिटल। इसीलिए क्या हो जाएगा, 2s ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 1s ऑर्बिटल से। बट बहुत सारे स्फेरिकल शेप, लेकिन शेप सेम रहेगी, शेप तो ये भी स्फेरिकल है ना और ये भी स्फेरिकल है, लेकिन अंतर क्या है, सिर्फ साइज का अंतर है, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है? तो वही बात बोल रहे हैं कि 1s ऑर्बिटल हो, 1s हो या 2s हो या 3s हो, सभी के लिए शेप कैसी रहेगी एस ऑर्बिटल की, स्फेरिकल रहेगी, लेकिन साइज डिफरेंस होगा, 1s के लिए थोड़ा छोटा साइज, 2s के लिए थोड़ा बड़ा। यानी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका साइज बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो आपका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। 1s के लिए साइज छोटा, 2s के लिए बड़ा, 3s के लिए बड़ा, 4s के लिए और बड़ा, 5s के लिए उसके उससे बड़ा। तो आपको ध्यान रखना है ये सीक्वेंस कि 1s का साइज क्या होगा, 1s से बड़ा 2s का, 2s से बड़ा 3s का, और 3s से बड़ा हो जाएगा 4s का। इस तरह से आपको ये चलते रहेगी सीक्वेंस, ठीक है? तो साइज का अब आपको इसमें बातें पता चल गई कि पहला तो ये कि s ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्फेरिकल होगी, दूसरी ये कि उसकी जो वो क्या होगा आपका सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकल होगा, तीसरा ये कि उसका साइज़ किस बात पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि 1s ऑर्बिटल के लिए साइज़ क्या होगा आपका, छोटा होगा इन कंपैरिजन टू 2s ऑर्बिटल, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है आपका, ईच एस ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अलोंग ऑल द थ्री एक्सेस एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ से ध्यान से देखो कि जो s ऑर्बिटल है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। अभी आपने देखा वो सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो सभी डायरेक्शन के लिए क्या होगा, सभी डायरेक्शन से क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, यानी कि सिमेट्रिकल होगा। तो ईच s ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अलोंग ऑल द थ्री एक्सिस, सभी थ्री एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल होगा। आपको पता है थ्री एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, ये होता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो यहाँ पे ऐसे होता है ना, ये एक्स, ये वाई, और ये होता है आपका जेड, ये होता है ना आपका x, y एंड z, ये होता है। इसी के अलोंग हमें क्या होता है अपना शो करना होता है शेप। तो s की शेप क्या है, स्फेरिकल है, तो ज़रा देखो x के लिए भी सेम है, न्यूक्लियस यहाँ होता है, मैंने मेरा ये थोड़ा ठीक नहीं बना लेकिन आप समझो, ये न्यूक्लियस यहाँ, ये x के लिए सेम, y के लिए भी सेम, z के लिए भी सेम, ठीक है? तो क्या लिखा है कि ईच s ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अलोंग ऑल द थ्री एक्सिस, तीनों एक्सिस पे क्या है, सिमेट्रिकल है। देखो तीनों के लिए क्या है, सिमेट्रिकल है। तो ये था आपका शेप ऑफ s ऑर्बिटल। अब हम शेप बना लेते हैं s ऑर्बिटल की ज़रा, ठीक है? अच्छे से स्फेरिकल है, अब इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए अभी तो हमने पॉइंट्स देखे थे और ये कुछ सब सा समझा था, अब देखते हैं ऑर्बिटल की शेप। देखो यहाँ से पहले ना इसको बना लेते हैं, फिर इसके बीच में ना ऐसे ये बना लेते हैं, समझा? ठीक है,
ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। ये क्या है आपका? ये तो है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस। ये क्या है आपका? ये वाला, ये हो गया आपका 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, ठीक है, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। और ये जो आपकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी शो करनी है अभी तो हमें, ठीक है। जैसे ये वाली अभी हमें डायरेक्शन भी तो शो करनी है, ठीक है। ये क्या होगी आपकी डायरेक्शन? ये हो गया आपकी एक्स, ये हो गया आपकी वाई, और जेड भी होगा अभी यहाँ, ये हो गया आपका जेड। तो इस तरह होगी शेप किसकी आ गई, 1s ऑर्बिटल की। अगर आपको 2s के लिए बनानी हो तो कैसे बनाओगे? ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। और एक्सिस दिखा देना, अब यहाँ पे छोटा जगह है तो मुझे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका एक्स, और जेड कहाँ आ जाएगा? ये तो तीनों डायरेक्शन के लिए देखो सेम ही तो रहेगी सभी डायरेक्शन से, न्यूक्लियस से डिस्टेंस। और इसमें क्या होगा? 1s, और ये हो गया 2s, ठीक है, 1 और 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे तो 1s ऑर्बिटल है, ये 1s एंड 2s ऑर्बिटल दोनों हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 1s और 2s भी आ रहा है, 1s और 2s भी आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपको, इसी तरह आपको 3s का ड्रॉ करना हो, ठीक है, तो 3s का कैसा हो जाएगा जरा देखो। ये 1 हो गया, 2, ये 3, ठीक है। मैंने थोड़ा, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये तो न्यूक्लियस है, ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ये 3s ऑर्बिटल। तो ये कौन सा हो गया? अब इसमें 1s भी है एंड 2s भी है एंड 3s भी है एंड 3s ऑर्बिटल, इसमें तीनों ऑर्बिटल आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अब तो। अब इससे ज़्यादा 4s का, 5s का अपने आप बना लीजिए। और ये आपकी वाई डायरेक्शन हो गई ये वाली, ये हो गया आपकी एक्स डायरेक्शन, और ये सीधे बनाइएगा आप, ठीक है। ये हो गया आपकी जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आप देखो तीनों डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिकल है। ये है आपकी शेप्स एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल रहेगी, चाहे किसी भी ऑर्बिटल के, किसी भी आप शेल के लिए निकाल लीजिए। अब आती है बात कि 1s और 2s में से कौन ज़्यादा लार्जर है। तो आप देखो साइज किसका लार्जर होगा, अभी बताया साइज किस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इंक्रीज होते हैं इसके, वो सॉरी प्रिंसिपल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा, यानी कि एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा आपका साइज ऑफ एस ऑर्बिटल भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे देखिए तो एस, ये वाले की सबसे ज़्यादा साइज़ है, देखो यहाँ से साइज यही तो होता है साइज़, यानी कि रेडियस, देखो जरा इसके अकॉर्डिंग तो हम डिसाइड करते हैं, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, किसकी, उस वाले की। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? थर्ड वाला, इसको मान लो 1, 2 और 3 मान लो इसको, 3 वाला सबसे बड़ा हो गया, एंड फिर 2 वाला हो गया, और एंड फिर 1 वाला हो गया। तो साइज़ ऐसे बताते हैं, ठीक है। तो आप ये बता देना, यानी कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को टाइम लगेगा, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा कम लगेगा, इसमें थोड़ा और कम लगेगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो 2s इलेक्ट्रॉन है, या फिर ऐसा बोलो 3s इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला जो थर्ड वाला है आपका 3s इलेक्ट्रॉन, स्पेंड्स इट्स टाइम एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस देन द 1s एंड 2s ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल, ठीक है। यानी कि वो अपना ज़्यादा टाइम इसमें लगाता है, इसमें थोड़ा कम लगाएगा, इसमें और भी कम लगाएगा, ठीक है। तो ये था आपका शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। अब हम देखते हैं सेकंड आपका शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, तो इसमें क्या है आपका, तो 3p ऑर्बिटल, आपको पता है p ऑर्बिटल कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं। तो द 3p ऑर्बिटल, यानी कि कौन कौन से होते हैं पी ऑर्बिटल? 3 होते हैं, px, py, pz, ठीक है। s तो एक ही होता है, s में एक ऑर्बिटल होता है, p में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उनके पर्टिकुलर नेम भी होते हैं, मैं आपको बोला था कि बताएंगे px, py, and pz, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अभी एक एक चलते हैं, d को मैं अभी नहीं ले रही हूँ, अभी जब d का देखेंगे तब मैं बताऊँगी, ठीक है। अभी इसको ले लेते हैं px, py, pz, यानी कि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो वो लिखा है कि द 3p ऑर्बिटल, यानी कि तीनों p ऑर्बिटल px, py, और pz की बात कही गई है, यानी कि तीनों p ऑर्बिटल आर ऑफ इक्वल एनर्जी, तीनों पी ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है? इक्वल होगी, एंड आर ओरिएंटेड अलोंग द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस xy and z। और वो कहाँ पे ओरिएंटेड होते हैं? अलोंग द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। आपको पता है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, हम एक्सिस ही तो लेते हैं, कौन कौन से लेते हैं आपको पता है? परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे ये हो गया आपका, इस तरह से ही तो लेते हैं हम, मैंने आपको बताया भी था, ये होगा आपका वाई, ये होगा आपका एक्स, इस तरह से आपके एक्सिस होते हैं 3, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो जो आपका एस ऑर्बिटल था उसकी शेप तो स्फेरिकल होती है, p
xyz के अलॉन्ग अगर देखें तो पूरा स्फेरिकल है, ठीक है। लेकिन अगर pxpypz यानी कि p ऑर्बिटल की बात की जाए तो यानी कि तीनों की, पहले तो ये बात ध्यान रखना है कि तीनों p ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी और तीनों कहाँ पे ओरिएंटेड होंगे, xyz एक्सिस पर क्या होंगे, ओरिएंटेड होंगे। कैसे होंगे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे ओरिएंटेड होंगे। और तीनों क्या होंगे, वो जो एक्सिस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, आपको पता है। अब ईच ऑर्बिटल लुक्स लाइक टू पियर्स फास्टेंड टुगेदर एट देयर नैरो एंड्स। और ये जो ऑर्बिटल दिखते हैं ना, इनकी जो शेप दिखती है वो ऐसे दिखती है, आपने नाशपाती देखी पियर्स, तो दो पियर लो, दोनों को क्या करो, ये जो पतली वाली शेप होती है, कुछ कुछ नाशपाती इस तरह की होती है, इस तरह की शेप की, कुछ नहीं आती बनानी, ठीक है, इस तरह की शेप की होती है ना, तो इस तरह से आप दो ले लो आप नाशपाती, और दोनों को क्या करो, इस तरह से आपने मान लो दोनों को, एक दोनों की साइड ये पतली वाली एंड ली दो नाशपाती की और दोनों को मिला दिया, बिल्कुल मैंने मिलाया नहीं, दोनों को मिला दिया, इस तरह की आपकी शेप होती है, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल की, जिसको हम किस तरह डिनोट करते हैं बुक में, इस तरह से, ठीक है, ये होती है आपकी। तो ये ऐसी दिखती है कुछ कि हमने दो नाशपातियों को उनकी पतली वाली साइड से जोड़ दिया दोनों को, ठीक है, ऐसी दिखती है। द होल अरेंजमेंट अपीयर्स लाइक अ डंबल, और पूरा अरेंजमेंट कैसे दिखता है, डंबल के जैसा, डंबल की शेप का, ठीक है, डंबल ये होता है, तो पूरा अरेंजमेंट कैसे दिखेगा, डंबल की शेप का, ठीक है। इट शुड बी नॉटेड दैट द लोब्स ऑफ द थ्री ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड अलोंग एक्स वाई एंड जेड, यानी कि ये नोट किया, ये आपको याद रखना है, इट शुड बी नॉटेड दैट द लोब्स ऑफ द थ्री ऑर्बिटल, यानी कि तीनों ऑर्बिटल के जो लूप हैं वो कहाँ ओरिएंटेड होंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस पर, एक्स वाई और जेड पर ही ओरिएंटेड होंगे। जैसे अगर मैं पी एक्स के लिए, पहले मैं पी एक्स ऑर्बिटल का के लिए शेप बनाती हूँ, तीनों के ऑर्बिटल की शेप होंगे अलग अलग। पी एक्स नाम क्यों रखाया गया है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड है, एक्स एरा, तो एक्स पे बनाएंगे अपना, सिर्फ एक्स एक्सिस पे बनाएंगे अपना लूप, जैसे ये वाला, ठीक है, ये हो गया, ये आपका पी एक्स एक्सिस, वो सॉरी पी एक्स ऑर्बिटल, क्या है आपका, ये पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखते हैं अपना दूसरा आगे, तो इसी तरह अपना एक्सिस बनाएंगे, ये हो गया वाई जेड और ये एक्स, ठीक है, ये एक्सिस है। अब कौन सा लेंगे, पी एक्स हो गया पी वाई, क्योंकि पी के तो तीन है, एस के तो एक ही ऑर्बिटल था, तो हमने काम खत्म कर दिया। अब देखेंगे पी वाई, पी वाई ये तो ये कहाँ ओरिएंटेड होगा, वाई एक्सिस पे, अब आप समझ आ रहे हैं, आपको आ गया होगा वाई एक्सिस पे, ठीक है, कहाँ ओरिएंटेड होगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे, इस तरह से, ठीक है, आप थोड़ा ठीक से बना लीजिएगा, ये एक वाला है, ये भी ऐसी करिएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये हो गया आपका पी वाई, वाई एक्सिस पे। अब देखेंगे अपना थर्ड, ये हो गया आपका पी वाई ऑर्बिटल, ठीक है, पी वाई ऑर्बिटल। अब देखेंगे अपना पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है, तीन ऑर्बिटल होते हैं ना पी में, आपको भी बता दिया है, वाई जेड एक्स। अब इस बार है आपका पी जेड एक्स, पी जेड ऑर्बिटल, सॉरी पी जेड ऑर्बिटल। तो पी जेड ऑर्बिटल क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि ये जेड एक्सिस के अलोंग था, ठीक है, जैसे आपका ये जेड है इस तरह से, ठीक है, ये इक्वल नहीं आ रहा है, आप इसको इक्वल ही बनाइएगा, ऐसा नहीं होता, एक छोटा लूप एक बड़ा लूप, दोनों लूप कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, वो छोटे बड़े बाद में होते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट अलग है, अभी के लिए आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो गया आपका पी एक्स ऑर्बिटल, ये हो गया आपका पी वाई ऑर्बिटल, ये हो गया आपका पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है, यानी कि आपकी जो पी ऑर्बिटल की शेप्स है वो कैसी होती है, डंबल शेप, कैसी होती है, ये देखो ये लिखा था, होल अरेंजमेंट अपीयर्स लाइक अ डंबल शेप, आपको याद रखना है इसकी स्फेरिकल पी की डंबल शेप, ठीक है, डंबल शेप, ये होगी आपकी पी एक्स पी वाई पी जेड। अब आपको जो भी आपको ऑर्बिटल के लिए पूछी जाए आप उसी की ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, लिखिए। अब थर्ड चलते हैं अपना शेप ऑफ डी ऑर्बिटल की तरफ, ठीक है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल की तरफ, चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल की शेप देखते हैं। तो डी में आपको पता है फाइव ऑर्बिटल होते हैं, डी में कौन से होते हैं आपके, फाइव ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, आपको बताया गया था फाइव कौन कौन से होते हैं, मैं पांचों के यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, ये होते हैं आपके फाइव कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका डी एक्स वाई, मैं आपको याद रखने का तरीके बताती हूँ, एक्स वाई जेड आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, पहले शुरू का डी एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, इस तरह से पहले एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, इस तरह से तीन तो स्टार्टिंग याद हो जाएंगे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, मैंने तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक बना रखी है अपनी याद करने की, आप जो चाहें वो बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको ना एक्स जेड भी लिखते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक ही बात है। और एक होता है आपको स्टार्टिंग के दो ले लो आप,
एक होता है आपका स्टार्टिंग के दो ले लो, उनका माइनस ले लो, स्क्वायर का माइनस, ठीक है, यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, मैंने ऐसे याद किया हुआ। अब बसता है लास्ट एक ही बच रहा है, इसका सब कोई साथी नहीं है, तो इसका स्क्वायर अकेले आ जाएगा बस। इस तरह मैंने इसके पाँचों याद किए हुए हैं, तो वही लिखा है द फाइव डी ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यानी कि पाँचों डी ऑर्बिटल जो ये वाले हैं पॉजिटिव इक्वल एनर्जी, उनकी क्या होगी, इक्वल एनर्जी होगी, आपको ध्यान रखना, एंड डिफर ओनली इन देयर ऑरियंटेशन इन सेम। एनर्जी तो सेम होगी, पी के भी सेम थी, पी के तीनों ऑर्बिटल की और डी के भी पांचों ऑर्बिटल की सेम है, लेकिन वो सिर्फ कहाँ कहाँ पर डिफरेंस रखते हैं, ऑरियंटेशन शेप, ऑरियंटेशन इन शेप में, कहाँ डिफरेंस रखते हैं, ऑरियंटेशन इन शेप में, ठीक है। अभी मैं शेप बनाऊंगी तब आप देखिएगा क्या डिफरेंस है। अब दी देर आर ऑफ दीज थ्री सॉरी सॉरी थ्री ऑफ दीज ऑर्बिटल, अब इनमें से जो ये पाँच है ना, पाँच में से जो ये तीन है, मैं आपको बता दूँ ये जो पाँच में से तीन है, जो ये लाइन लिखी है सेकंड वाली, उसका मतलब ये है कि थ्री ऑफ दीज ऑर्बिटल प्रोजेक्ट इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस, जो आपके तीन ऑर्बिटल हैं, पाँच में से जो तीन ऑर्बिटल हैं वो कहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, अगर हम उन्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक्सिस पे दिखाएंगे तो वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। जैसे आपके ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हो गया एक्स वाई जेड है, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में लाई, जैसे अगर एक्स वाई बोला तो इनके कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में लाई करेंगे, ठीक है, मैं अभी आपको ड्रॉ करूँगी तो बताऊँगी। और जो आपके दूसरे बाकी के दो हैं, ये जो दो हैं, ये कहाँ लाई करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई करेंगे, शुरू के तीन तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में लाई करेंगे, यानी कि जैसे आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हैं एक्स वाई एंड जेड, इनके बीच में, जैसे एक्स वाई जेड की इनके बीच में लाई करेंगे, ठीक है, इनके बीच में लाई करेंगे, ये जो तीन है बाकी, ये जो ऊपर के तीन है, बाकी ये जो दो हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही लाई करेंगे, जैसे ये एक्स है तो यहाँ पर लाई करेगा, ये यहाँ पर, जेड पर, यहाँ पर, ठीक है, कहाँ लाई करेगा वो मैं बनाना सिखाऊंगी अभी आपको। बाकी आपको याद रखना है कि पांच में से तीन तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में लाई करते हैं और बाकी के दो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही लाई करते हैं, यही है। अब थर्ड है आपका द होल अरेंजमेंट अपीयर्स लाइक अ डम्बल डबल डम्बल शेप, इसको बोलते हैं, ये जो पूरा अरेंजमेंट अभी हम शेप बनाएंगे वो कैसे दिखेगा, डबल डम्बल। पी की शेप कैसी आई थी आपकी, देखा था आपने, दो नाशपातियाँ मिलाई थी ऐसे, ठीक है, इस बार क्या मिला दो, चार, दो कोर मिला दो, इस तरह से ये आ गया फ्लावर सा बन के, इसको बोलते हैं डबल डम्बल। डम्बल ये होता है डम्बल, पी का डम्बल है तो ये क्या हो गया, डबल डम्बल, एक और डम्बल आ गया, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए एस की स्फेरिकल, पी की डम्बल और डी की डबल डम्बल, तीनों याद होती जा रही है अब सीक्वेंस से। चलिए तो एक बार अब इसकी शेप भी बना लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अब पहले बनाएंगे डी एक्स वाई के लिए, ठीक है, पांचों यहीं पे लाने हैं तो थोड़ा मैं इधर इधर कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स वाई और जेड, ठीक है, पहले हम कौन सा बना रहे हैं, डी एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, आप चाहे पूरा लिखो या फिर डी एक्स वाई लिख लो, ठीक है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, तो डी एक्स वाई है, अभी आपको पता है पहला है ये फर्स्ट थ्री में आ रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ लाई करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में लाई करेगा, यानी कि यहाँ 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 कहीं भी लाई करेगा, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ 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 कहीं भी बीच में, ठीक है। अब कहाँ करेगा, तो आपको ध्यान रखना है जिन भी दो की बात की जाए, एक्स और वाई, यहाँ पर बात की गई एक्स वाई, यानी कि इनके बीच में लाई करेगा, तो एक्स और वाई का बीच कहाँ है, लगभग यहाँ, तो ये कहाँ लाई करेगा, एक्स और वाई के यहाँ पर बीच में, ठीक है, ये हो गया आपका एक तो ये रहा, ठीक है, ये थोड़ा सा शेप बिगड़ गई है, ये रहा, ठीक है, ये हो गया एक लाई करके। अब दूसरा कहाँ लाई करेगा, दूसरा भी यहीं लाई करेगा x, और ये भी तो x होगा, ये भी y है, तो ये कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, ये हो गया आपका डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अब बनाएंगे डी वाई जेड ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो गया आपका, ये क्या आपका y, ये z और ये एक्सेस, ये तो आपको पता ही एक्सेस, तो ठीक है, यहाँ पर अब क्या है हमारा, सेकंड है आपका डी वाई जेड, मैंने आपको सीक्वेंस भी बताया है, डी एक्स वाई के बाद डी वाई जेड ऑर्बिटल ही आएगा, ठीक है, आपको लर्न करने की ट्रिक भी बताई है, तो डी वाई जेड ऑर्बिटल हो गया, यानी कि डी वाई जेड है, y और z के बीच में लाई आएगा, लाई करेगा, y और z कोऑर्डिनेट के बीच में लाई करेगा, वाई किधर है ये, जेड कहाँ है इधर, इनको भी इनका बीच कहाँ है यहाँ, इधर भी देखें तो ये वाई है और ये जेड है, इसका बीच है यहाँ, तो कहाँ लाई करेगा, इनके बीच में, यानी कि एक तो ये आ गया, एक कहाँ आएगा, यहीं आएगा, इनके बीच में लाई कर रहा है, ये क्या, ये लाई कर रहा है, तो ये भी तो वाई है, वाई, ठीक है,
यहाँ पर लाई करेगा, दूसरा यहाँ और यहाँ, हो गया ठीक है। वाई और जेड के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, याद रखने की ट्रिक है ऐसे। अब आगे देखते हैं, अगर आगे ड्रॉ करें वाई क्या जेड यू क्या एक्स डी जेड एक्स ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल है, यानी कि अब देखो जेड और एक्स आ रहा है, तो जेड और एक्स के बीच में लाई करेगा, जेड और एक्स के बीच में, जेड है ये और एक्स है ये, इसके बीच में लाई करेगा, यानी कि ये हो गया इसका, यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पर भी जेड है, तो ये वाला यहाँ लाई करेगा एक जेड और एक्स, और ये वाला भी यहाँ पे, ठीक है। और फिर दूसरा भी कहाँ लाई करेगा, जेड और एक्स के बीच में, यानी कि एक्स यहाँ पर, ये मान लीजिए इस तरह ये हो गया आपका, ठीक है। अब बचते हैं बाकी के दो, चलिए उन्हें भी बना लेते हैं। तो तीन आपके हो गए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक्स है, ये वाई है, सॉरी ये जेड होगा और ये वाई हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, यानी कि थर्ड वाला। अब आपको पता है ये कहाँ लाई करेंगे, ये लाई करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है आपका डी एक्स स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि कहाँ लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे, यानी कि कुछ इस तरह से एक्स पे और वाई पे, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट अपना, यहाँ पर आई थिंक आ जाएगा, ठीक है, आ गया, ये हो गया आपका वाई, ये जेड और ये एक्स, ठीक है, ये भी एक्स, ये जेड और ये वाई, इस तरह से। अब आपका बच रहा है लास्ट ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। तो ये देखो इसमें क्या था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के ऊपर कर दिया। इसमें भी तो ये बोला है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ही आना है, पहले दो तो आएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, कोई भी एक्सिस पे तो नहीं है, नहीं है इनमें से कोई भी एक्सिस पे नहीं आ रहा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कहाँ लाई करेगा आपका, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कहाँ आ जाएगा आपका, देखो जेड स्क्वायर पे एक तो आएगा इस तरह से, इसका थोड़ा अलग होता है, इसी की आपको शेप याद रखनी है बस, बाकी तो सब सेम ही लग रहे हैं। इसकी क्या हो जाएगी, एक तो ऐसे और एक आता है आपका ऐसे, ये वाला ऑर्बिटल आता है ऐसे, ठीक है, ये आता है आपका इस तरह से डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ये हो गया आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की शेप, ठीक है। ये हो गई डी एक्स वाई की, ये डी वाई जेड की, डी जेड एक्स की, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, और वो बनती है आपकी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की, ठीक है, ठीक है। तो आपके ये पाँच हो गए हैं, तो अब क्या हो गया आपको पता चल गया एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, ठीक है, और पी ऑर्बिटल की कैसी होती है, डम्बल, और डी की कैसी होती है, डबल डम्बल, डबल डबल डम्बल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो आपको याद रखना है ये तीन ही हैं आपके, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो आपका एफ ऑर्बिटल की शेप है वो आपकी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रिकल शेप है, आप लिख सकते हैं एफ ऑर्बिटल की शेप कैसी है, एफ ऑर्बिटल शेप, एस ऑर्बिटल शेप लिख सकते हो आप, ठीक है, कैसी है वो, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, आप लिख सकते हो एनर्जी ऑफ ऑल सेवन एफ ऑर्बिटल आर सिमिलर बट ओरिएंटेशन आर डिफरेंट, एंड जो उनकी शेप है वो कैसी है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड शेप, कॉम्प्लिकेटेड शेप, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड शेप है उनकी। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर हम चलिए तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आज का आपका टॉपिक था शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो आज की क्लास में जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा दूंगी। और किसी को एफ ऑर्बिटल समझना है, वैसे तो आपके सिलेबस में इतना ही है, तो वो भी बता सकता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लिकेटेड कितने होते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है और सेवन ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।